Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. Hello students, it's MK Singh and welcome to the platform of Edurise India. देखिए पिछली वीडियो में हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, उसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। और भी कुछ बातें कैरेक्टरिस्टिक में छूटी हुई हैं जिनको पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट करते हैं इसका। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में है अकॉर्डिंग टू, पहले लैंग्वेज देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी 18 वर्टिकल कॉलम्स आर नेम्ड एज फर्स्ट टू 18th। जैसा कि हम लोग चर्चा किए हैं कि पहले जो मॉडर्न इंप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल था उसमें ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइडेड था, उन ग्रुप का नाम भी हम लोगों ने रख दिया था। बाद में जाके आईयूपीएससी करेक्शन हुआ था और ग्रुपिंग जो है लगातार कर दिया गया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके पूरा 18 तक ग्रुपिंग कर दिया गया था। वो भी देखेंगे कौन कौन सा ग्रुप कहां पे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द कोरिलेशन बिटवीन द ग्रुप्स इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड इन द मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज गिवन बिलो। यहां पर देख लीजिए, पहला जो ग्रुप है फर्स्ट ए जिसको हम लोग कहते हैं अल्कली मेटल, और दूसरा जो ग्रुप है वो सेकेंड ए है जिसको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। तो कुछ नेम्स भी हैं जिसको याद रखना है, इसको हम लोग कहते हैं अल्कली मेटल, अल्कली मेटल। और ये जो ग्रुप है इसको हम लोग कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब देखिए थर्ड भी आ गया, फिर थर्ड भी हमारे स्टार्ट हो जाता है। इसमें आप समझ रहे हैं ना कौन है, स्कैंडियम वाला फैमिली है, स्कैंडियम, ठीक है। इसमें टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ठीक है। और देखिए एफी कोबाल्ट 8 9 10, इसमें कौन आएगा, ये वाला ग्रुप आएगा एफी कोबाल्ट निकेल। इनका जो ग्रुप आएगा ना वो किस में आ जाएगा, 8 में इंक्लूड होता था तो उसका नाम 8 9 10 रख दिया गया आईयूपीएससी करेक्शन करके, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर जो कॉपर का फैमिली है वो 11 नंबर हो गया। फिर सेकेंड बी जिंक का फैमिली है वो 12 नंबर हो गया, 12 नंबर ग्रुप हो गया, 12 नंबर ग्रुप, ठीक है। अब देखिए फिर थर्ड ए फोर्थ ए 13 ग्रुप 14 ग्रुप 15 16 17 और जीरो ग्रुप यानी नोबल गैस वो 18 ग्रुप कह दिया गया। तो इस तरह से डिवाइडेड है, इन बातों पर ध्यान रखना है। देखिए कुछ नेम्स होते हैं जैसे 17th ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हैलोजन्स, हैलोजन्स, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है ना। 16 नंबर को कहते हैं चैल्कोजेंस, ये सब कॉमन इसके नेम है, चैल्कोजेंस, चैल्कोजेंस कहते हैं इसको। चैल्कोजेंस का मतलब होता है कि देखिए 16 में आप देखेंगे ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, सिलेनियम होता है, टिल्यूरियम होता है, तो आप देखेंगे जितने भी ओर्स आते हैं वो इन्हीं के साथ कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। सल्फर का ओर जो होता है, सल्फाइड ओर बहुत सारे होते हैं, ऑक्साइड ओर बहुत सारे होते हैं, सिलेनाइड ओर होते हैं, ठीक है ना, इनके साथ कंबाइंड स्टेट में होते हैं। तो ओर फॉर्मिंग नेचर की वजह से इनको कहते हैं चैल्कोजेंस, ये जो है ओर फॉर्मिंग नेचर है, ओर फॉर्मिंग जो टेंडेंसी होती है, नेचर होता है, इसकी वजह से इसका नाम रखा गया है चैल्कोजेंस, ठीक है। अब देखिए अब है आपका फिफ्थ ए 15th ग्रुप, 15th ग्रुप देखिए इनको ना हम लोग कहते हैं निक्टोजेंस, इनको निक्टोजेंस कहते हैं। निक्टोजेंस इसलिए कहते हैं कि ये ना इनके कंपाउंड पॉइजनस नेचर के होते हैं और इनका खुद का भी नेचर पॉइजनस होता है, जैसा नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस आप जानते हैं ना पॉइजनस नेचर का होता है, फॉस्फोरस का कंपाउंड होता है फॉस्फीन गैस, फॉस्फीन गैस बहुत पॉइजनस होता है, ठीक है ना। तो इनके जो गैसेस भी होते हैं अमोनिया भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो जाएगा, नाइट्रोजन का गैस है
ज्यादा क्वांटिटी में हो जाएगा तो पॉइजनस नेचर का हो जाता है। तो निक्टोजेंस इनके पॉइजनस नेचर की वजह से होता है। ये जो हम लोग बताते हैं पॉइजनस नेचर के वजह से बताते हैं, पॉइजन नेचर होता है इनका, ठीक है ना। ये नेचर जो है पॉइजन वाला नेचर है, इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं निक्टोजेंस। तो ये सब थोड़े कॉमन नेम्स हैं जिस पर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट पे ध्यान दीजिए। एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल, सो देयर प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका सेम होगा, इसी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होता है उनका, सिमिलर होता है, ठीक है, जो कि डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। देखिए मेजर ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल एंड सम आर नॉन मेटल्स एंड वेरी फ्यू आर मेटलॉइड्स और सेमी मेटल भी कहते हैं। देखिए नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर का होगा, मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर का होगा, और मेटलॉइड जो ऑक्साइड बनाता है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ठीक है। मेटलॉइड ऑक्साइड जो होगा वो एम्फोटेरिक नेचर का होगा, बात समझ रहे हैं। अब देखिए इसका भी पेरियोडिसिटी होता है, जैसे मेटल का पेरियोडिसिटी क्या होता है। देखिए पेरियोडिक टेबल में हमेशा याद रखिए, डाउन द ग्रुप अगर जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है ना वो बढ़ता चला जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मेटल्स का बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो देखिए पहले हमने मेटल ऑक्साइड के बारे में सोचना है, क्योंकि मेजर ऑफ एलिमेंट जो है वो मेटल्स ही हैं, ठीक है। इसका पेरियोडिसिटी जो होता है वो इस तरह से, इधर हम लोग कर दिए पीरियड और ये हो गया ग्रुप, ऊपर से नीचे ग्रुप हो गया, और इधर जो डिस्टेंस हमने करा वो लेफ्ट टू राइट पीरियड हो गया। हमेशा याद रखिए बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है ना मेटल का, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मेटल ऑक्साइड डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होने लगेगा मेटल्स का। और देखिए टॉप टू बॉटम अगर जाते हैं ग्रुप में तो बेसिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम इन ग्रुप इंक्रीजेस। ये दो बात ध्यान रखना है कि बेसिक स्ट्रेंथ मेटल ऑक्साइड का टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज करता है, और लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे हम लोग तो डिक्रीज कर जाएगा। अब जैसे एग्जांपल दिया जा रहा है आपको, जैसे हमने दे दिया Na2O, फिर दे दिया MgO, फिर दे दिया K2O, ठीक है, इस तरह से, और कहेंगे इन तीनों में बताइए बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या है। पोटेशियम और सोडियम एक ही ग्रुप के हैं, तो उससे ऊपर सोडियम है उसके नीचे पोटेशियम है, तो पोटेशियम टॉप ऊपर से नीचे जाते हैं तो बेसिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज करता है। और देखिए मैग्नीशियम क्या है, राइट साइड में। लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे आप तो क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो यहां पर अगर ऑर्डर लगाना हो हमने ए बी और सी, तो एसिड बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना हो बेसिक स्ट्रेंथ का, तो हम लोग क्या बताएंगे, हम लोग सीधा कहेंगे कि भाई सी सबसे ज्यादा बेसिक होगा, उसके बाद ए बेसिक हो जाएगा, उसके बाद बी, अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग ऐसे ही बता देंगे। अब जैसे सिंपल क्वेश्चन दे देता है Li2O, Na2O, K2O, CH2O, ऐसे दे दिया, और इसमें ही बेसिक स्ट्रेंथ बताना है, तो हम जानते हैं सबसे डाउन द ग्रुप कौन है, सीजियम है, तो सीजियम का बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा सीजियम का ऑक्साइड का, तो हम ऐसे टिक लगा देंगे।
कि भाई यही बेसिक स्ट्रेंथ है हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पता कर पाते हैं कौन ज्यादा बेसिक है और कौन कौन बेसिक है, ठीक है। अब देखिए, यही बात अगर नॉन मेटल के लिए किया जाए, नॉन मेटल को ऑक्साइड के लिए किया जाए, ठीक है, नॉन मेटल के लिए किया जाए, नॉन मेटल ऑक्साइड, इसी के लिए किया जाए, तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, ये हो गया लेफ्ट टू राइट पीरियड में और ये हो गया टॉप टू बॉटम ग्रुप में। तो याद रखिए एसिडिक स्ट्रेंथ, ये एसिडिक होता है ना, एसिडिक नेचर के, एसिडिक नेचर होता है इनका, और एसिडिक स्ट्रेंथ जो बताते हैं हम लोग, एसिडिक स्ट्रेंथ जो बताएंगे लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, ये इंक्रीज करेगा, और एसिडिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम, एसिडिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम, ठीक है, डिक्रीजेस, उल्टा हो जाएगा, डिक्रीजेस, ठीक है, इस तरह से बताएंगे। अब जैसे आपको दे दिया जाए SO2, ठीक है, फिर दे दिया जाए P2O3 और फिर दे दिया जाए Cl2O7, पूछा जाए भाई इसमें आपने ना एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है, तो हम देखेंगे, अच्छा जी फास्फोरस जो है लेफ्ट साइड, एक ही पीरियड के एलिमेंट सही है, सल्फर भी है, क्लोरीन भी है और फास्फोरस भी, एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं ये, लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ऐसे भी अगर इसको ए कर लीजिए, इसको बी कर लीजिए, इसको सी कर लीजिए, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा आप कैसे बताएंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग बताएंगे सी का सबसे ज्यादा, उसके बाद बी का, फिर ए का, ठीक है, इस तरह से बता देंगे। और ऐसे भी याद रखिए ये पूरे पीरियोडिक टेबल का मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड है, मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड, सबसे ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड पूरे पीरियोडिक टेबल में, दैट इज Cl2O7, Cl2O7 होगा, ठीक है, इस तरह से हम लोग बता सकते हैं। अब देखिए इसमें थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी होते हैं, बाद में जब आप रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे तो इस आंसर को देंगे, बट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को ऐसे नॉर्मली हम कैसे आंसर दे सकते हैं। तो जैसे नॉन मेटल को ऑक्साइड दे दिया गया, एनओ दे दिया गया, एनओ टू दे दिया गया और एन टू ओ फाइव दे दिया गया, ये नॉन मेटल के ऑक्साइड है, ठीक है, इनमें पूछा जाए कि ये बताइए कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, एक ही एलिमेंट के सारे ऑक्साइड हैं, तो यह ध्यान आपको रखना है कि पर नॉन मेटल ऑक्सीजन जितना ज्यादा होगा, यानी ऐसे कर सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन पर नॉन मेटल, पर नॉन मेटल, पर नॉन मेटल, पर नॉन मेटल, ठीक है ना, नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होंगे तो उसका क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अब आप देखिए पर नॉन मेटल ऑक्सीजन सबसे ज्यादा किस में है, ऊपर वाले में है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर बताना होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ आप कैसे बताएंगे, तो आप सीधा कहेंगे भाई पर नॉन मेटल ऑक्सीजन इसमें ज्यादा, उसके बाद इसमें है, उसके बाद इसमें, ऐसे बता देंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर बताना हो Cl2O, ClO2, Cl2O6 और Cl2O7, इसमें आपने एसिडिक स्ट्रेंथ को बताना हो, एसिडिक स्ट्रेंथ को बताना हो, पर नॉन मेटल ऑक्सीजन देख लीजिए किसमें सबसे ज्यादा है, तो कहेंगे भाई इसमें सबसे ज्यादा पर नॉन मेटल हमारा ऑक्सीजन है, तो ये सबसे ज्यादा हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ, ऐसे बता देंगे। उसी तरह से बेसिक स्ट्रेंथ में भी बताते हैं हम लोग, बेसिक स्ट्रेंथ,
basic strength of metal oxide. इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं? तो इसमें जो हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो ये लगाते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ, एकदम उल्टा, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/ नंबर ऑफ ऑक्सीजन पर मेटल. पर मेटल ऑक्सीजन जितना कम होगा उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा. ठीक है, ये ध्यान रखिए. तो यहां पे अगर एग्जांपल हम दे देते हैं Mn का, MnO, MnO2, Mn2O7, ये दे दिया गया, ये तीन ऑक्साइड मैंगनीज का दे दिया गया. और अगर आपसे पूछा जाए बेसिक स्ट्रेंथ बताइए, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इसमें बताना है, तो आप कैसे बताएंगे? ऐसे ऐसे ऐसे. ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ हो गया. और ऐसे भी याद रखिए, ये जो मैंगनीज का मेटल ऑक्साइड है ये एसिडिक इन नेचर होता है, एसिडिक इन नेचर. मेटल का ऑक्साइड होते हुए ये एसिडिक नेचर का होता है. ठीक है, तो मेरा ख्याल है ये बात समझ गए होंगे कि अगर पेरियोडिसिटी आपसे पूछ दिया जाए एसिड और बेस का, बेसिक स्ट्रेंथ का मेटल और नॉन मेटल का, तो आप आसानी से बता सकते हैं. ठीक है, अब कुछ एग्जांपल हम लोग कंबाइंड लेते हैं इसमें. जैसे इस तरह से दे दिया जाए आपको, आपको दे दिया जाए K2O, CS2O. ठीक है, K2O दे दिया जाए, CS2O दे दिया जाए, फिर दे दिया जाए CaO, फिर दे दिया जाए GeO2, ऐसे दे दिया जाए, फिर दे दिया जाए As2O3, ये दे दिया जाए, और पूछा जाए कि बेसिक स्ट्रेंथ बताना है इसमें, बेसिक स्ट्रेंथ बताना है. ठीक है, तो आप कहेंगे अरे यार ये तो सारा फोर्थ पीरियड का है, ये तो सारा का सारा फोर्थ पीरियड का है, तो कैसे बेसिक नेचर बताएंगे? तो एक सीजियम छोड़ के ये छठा पीरियड का है, सारे के सारे फोर्थ पीरियड के हैं. तो सबसे ज्यादा नीचे तो यही है ना, हम ऐसे देखना है पीरियोडिक टेबल, राइट साइड बेसिक नेचर कम, लेफ्ट साइड बेसिक नेचर ज्यादा. ऊपर से नीचे जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, तो सबसे लेफ्ट में तो यही दोनों है ना, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा? ऐसे हम लगा लेते हैं A B C D F, ए बी सी डी एफ लगा दिया, चलो ई छोड़ दिया, एफ लगा दिया, तो कोई बात नहीं. आप कैसे बताएंगे? बी जो है ये सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? बेसिक. उसके बाद ए हो जाएगा, उसके बाद मेटल ऑक्साइड है सी हो जाएगा, और उसके बाद देखिए डी और एफ, एफ वाला एस जो है राइट साइड में है और ये वाला लेफ्ट साइड में है, तो हम कैसे बता देंगे? डी, और उसके बाद क्या बता देंगे? एफ, ऐसे. ठीक है, और वैसे भी देखिए वो सब मेटलॉइड होते हैं, एस होता है, जी होता है, ये सब मेटलॉइड होते हैं, तो ये एम्फोटेरिक नेचर के हैं, बट अकॉर्डिंग टू पेरियोडिसिटी हम ऐसे बता सकते हैं. ठीक है, तो ये जो हमारा है वो है एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल ऑक्साइड. अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड पे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. देखिए एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है, अकॉर्डिंग टू बोर्स, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. ठीक है ना, SPDF ब्लॉक पर एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं हम लोग, तो पीरियोडिक टेबल आप खोल लेंगे. ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में ऐसे डिवीजन है, एक एस ब्लॉक है, उसके बाद जो है डी ब्लॉक है बीच में, और सबसे राइट में जो है, सबसे राइट में ऐसे देखेंगे तो सबसे राइट में कौन आ जाएगा? सबसे राइट में आ जाएगा पी ब्लॉक, और लास्ट में नीचे में दिया हुआ है एफ ब्लॉक. ऐसे करके इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे करके क्लासिफिकेशन है.
तो देखिए सबसे पहले हमारा आता है एस ब्लॉक आता है, एस ब्लॉक। देखिए एस में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकता है किसी सबशेल में उतना ही ग्रुप्स बनता है उसका। तो इसीलिए एस में जो होते हैं दो ग्रुप्स होते हैं, टू ग्रुप्स एस में होंगे, ठीक है। एक होगा हमारा एनएस वन और एक होगा एनएस टू। वैसे जनरल कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट ऑर्बिट का ये दिया हुआ है, ये किसका है कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना। तो ये होता है एनएस वन, जैसे कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए हैं एनएस वन और एनएस टू। एनएस वन से क्या होगा, अल्कली मेटल होगा, और एनएस टू से क्या होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा एस ब्लॉक में कहां पे एंटर करेंगे, इन एस सबशेल, एस ऑर्बिटल में ये जो है ना एंटर करेंगे, एस ऑर्बिटल में, ठीक है। इसमें दो ग्रुप्स आएंगे, दिस वन एंड दिस वन। एक को हम लोग क्या कहते हैं, पहले लिख चुके हैं अल्कली मेटल, अल्कली मेटल, और दूसरा जो होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। देखिए इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, नोबेल गैस के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कैसे लिखेंगे, तो नोबेल गैस के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से लिखेंगे, नोबेल गैस दे देंगे, नोबेल गैस कौन सा सेम, ठीक है ना, नियरली, नियरली क्लोज जो नोबेल गैस है, जैसे जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सोडियम के बारे में लिखना है एटॉमिक नंबर कितना, 11 है, ठीक है ना। तो उसका सबसे नियरर इनर्ट गैस कौन होगा, नियॉन होगा, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 10 है। तो उसी तरह से आपको ध्यान देना है कि जो नियर वाला नोबेल गैस है, नियरेस्ट नोबेल गैस, उसका कॉन्फ़िगरेशन यहां पर लिख लेते हैं और यहां पर दे देते हैं एस वन। उसके बाद क्या दे देंगे, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद दे देंगे हम लोग एन एस वन, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे सोडियम के लिए अगर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो इसका नियरली नोबेल गैस कौन है, नियॉन है, और नियॉन करके यहां पे 3s1 दे देंगे, ठीक है, इस तरह से। उसी तरह से इसका भी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ऐसे लिखते हैं, नोबेल गैस के इनर्ट गैस के रिस्पेक्ट में, इनर्ट गैस ऐसे ब्रैकेट दे देंगे और यहां पे क्या दे देंगे, NS2। जैसे मान लीजिए कैल्शियम का आपने लिखना है तो यहां पे कैसे दे देंगे, देखिए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो रिकॉल कीजिए कितना होता है, 20 होता है, और इसका जो नियरर वाला है वो कौन है, आर्गन है जिसका 18 होता है। तो इसका कैल्शियम का जो नियरेस्ट नोबेल गैस है वो 18 वाला है, दैट मीन्स आर्गन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर्गन ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे, और उसके बाद क्या लिख देते हैं यहां, 4s2। तो ये कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो ये नियरेस्ट नोबेल गैस के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो यहां पे ये ध्यान में दीजिए कि अगर अल्कली मेटल है एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, वन इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कर देता है तो अपना नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है। तो यहां पर यह बात भी क्लियर है कि आफ्टर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन, अगर वन इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाए किससे, अल्कली मेटल से इलेक्ट्रॉन, देन इट अचीव्स नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन। ये अपना नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर लेगा। और यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो है अगर दो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाए इसमें से, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जब भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं हम कौन सा इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। तो आफ्टर रिमूविंग ठीक है,
टू इलेक्ट्रॉन्स, ये बात लिख दे रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट, then it achieves nearest noble gas configuration. फिर ये nearest noble gas configuration को achieve कर लेगा, ठीक है, then it achieves nearest noble gas configuration. तो बात समझ रहे हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल से अगर दो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो अपना वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है, यानी कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में वो जाता है. और देखिए ये मेटल्स होते हैं ना, ये दोनों क्या है, मेटल्स हैं, तो इनकी टेंडेंसी ही होती है, इसकी टेंडेंसी क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना, और इसकी टेंडेंसी क्या होती है, दो इलेक्ट्रॉन लॉस करना. और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनाते हैं ये किसी के साथ, नॉन मेटल के साथ, वो बॉन्ड कैसा होता है, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए ये आयोनिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं. वैसे तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस ग्रुप्स के बारे में पूरा पढ़ना है, कैसा इसका नेचर होता है, कैसा रिएक्शन करता है ये, ठीक है ना, बट हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे अभी, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल है, सिर्फ कॉन्फिगरेशन वाइज हम लोग क्लासिफिकेशन को देखेंगे. अब देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम लोग क्लासिफिकेशन पर आते हैं, दैट इज पी ब्लॉक कॉन्फ़िगरेशन. देखिए पी ब्लॉक कहने का मतलब होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जब भी इंटर करेगा वो किस में करेगा, पी ऑर्बिटल में वो इंटर करेगा, तभी वो पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा. और ये समझिए कि पी ब्लॉक जो है, पी ऑर्बिटल जो है, उसमें कितने हम लोग इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं ना, P1, P2, P3, P4, P5, P6. That is why there is 6 groups. कितने ग्रुप्स होंगे, जितना इलेक्ट्रॉन इंटर कर सकता है उतना ग्रुप्स होता है. तो यहां पे इसीलिए 6 ग्रुप होते हैं. जो पहला पुराना वाला क्लासिफिकेशन है उसमें हम लोग ऐसे करते हैं, थर्ड ए और जीरो ग्रुप ऐसे आता है, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवन ए और जीरो ग्रुप, पुराना वाले क्लासिफिकेशन में. बट नए वाले में जो IUPAC ने सुधार करके दे दिया है, वो देखिए 13 से शुरू होता है और देखिए वो कहां तक आ रहा है, 18 तक आ रहा है, ठीक है ना, इस तरह से आ रहा है. तो ये मॉडर्न वाला क्लासिफिकेशन है. और इन ग्रुप्स का हम लोग नाम पढ़े हैं, इन ग्रुप्स का हम लोग नाम भी पढ़े हैं, ठीक है. सबसे इसमें एक्सेप्शनल ग्रुप जो होता है ना, वो थर्ड ए होता है, उसमें बहुत सारा एक्सेप्शनल बिहेवियर है, ठीक है ना, एक्सेप्शनल बिहेवियर है, ठीक है. तो इसको हम लोग कह देंगे पी ब्लॉक, ठीक है. देखिए वैसे तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, जैसे कुछ बातों का डिस्कशन कर ले रहे हैं, जैसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है, मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट इसी में होता है. फ्लोरीन जो होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसी में जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन होता है, जो इसी ब्लॉक्स में आता है, पी ब्लॉक में आता है. और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो इसी में आते हैं. तो मेजरली नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड ये पी ऑर्बिटल में मिलते हैं, ठीक है. नॉन मेटल प्लस मेटलॉइड ये कहां पे मिलते हैं, पी ब्लॉक में मिलेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये, ठीक है ना. और देखिए इनका जो वैलेंसी है, वैलेंसी फिक्स नहीं होता है, कुछ नॉन मेटल्स का तो फिक्स होता है वैलेंसी, बट कुछ का वेरिएबल वैलेंसी होता है. तो इनका वैलेंसी फिक्स नहीं है. जैसे देखिए अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, उनका वैलेंसी फिक्स होता है. अल्कली मेटल का 1 लेते हैं वैलेंसी हमेशा, ठीक है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल का 2 लेते हैं, वैलेंसी फिक्स होता है उनका, वो चेंज नहीं करता है. बट यहां पर वैलेंसी चेंज करता है, ठीक है, वैलेंसी इसका वेरिएबल है. तो कुछ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, वैलेंसी इनका जो होगा वेरिएबल होगा. और बाद में तो ये सब ग्रुप्स जो हैं वो आपको पढ़ने हैं ही, बाद में ये सारे ग्रुप्स आपको पढ़ने, एक एक करके 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, ये पढ़ना है.
17 एंड 0 ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, डी ब्लॉक, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिकॉज इनका जो पेरियोडिक प्रॉपर्टीज होता है, पेरियोडिक प्रॉपर्टीज जो होता है ना, वो लाई करता है किसके बीच में, एस ब्लॉक वाले एलिमेंट और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट के बीच में लाई करता है, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखिए कॉन्फिगरेशन इसका, देखिए कॉन्फिगरेशन, एक्सेप्शनल कॉन्फिगरेशन भी है इसमें, कॉन्फिगरेशन देखिए, एन माइनस वन डी, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो भरता है वो कहां पड़ता है, डी ऑर्बिटल में, और उस डी ऑर्बिटल का नाम क्या है, एन माइनस वन डी, एन माइनस वन डी में इलेक्ट्रॉन इंटर करता है, और ये एक्सेप्शनल कॉन्फिगरेशन भी शो करते हैं, जैसे जैसे हम लोग जो करते हैं कॉन्फिगरेशन, इसमें एक्सेप्शनल किसका किसका है, तो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं कॉपर है, एजी है, एयू है, क्रोमियम है, मॉलिब्डेनम है और पैलेडियम है, इनका एक्सेप्शनल कॉन्फिगरेशन है, ठीक है ना, ये एक्सेप्शनल कॉन्फिगरेशन ध्यान देना है, डी ब्लॉक में है, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे इंटर करेगा, एन माइनस वन डी, इसी में इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, 1 to 10, तो कितने ग्रुप्स हो जाएंगे इसमें, 10 ग्रुप्स हो जाएंगे, 10 ग्रुप्स हो जाएंगे, ठीक है। देयर टू आउटर मोस्ट सेल्स आर इनकम्प्लीट, जो आउटर मोस्ट सेल्स होते हैं वो इनका इनकम्प्लीट होता है, जैसे जनरल कॉन्फिगरेशन देख रहे हैं NS2, तो इसमें NP भी तो होगा, ND भी तो होगा, ठीक है ना, NF भी तो होगा, ऐसा होगा कि नहीं। अगर मान लीजिए नॉर्मल कॉन्फिगरेशन में स्कैंडियम का लिख रहे हैं, स्कैंडियम का क्या होता है, 3D1 4S2, तो ऐसा थोड़ी ना है, 4P तो होगा ही, 4S शुरू हो गया तो 4P0, ठीक है ना, 4D0, ठीक है, और 4F0, ये सब तो एग्जिस्ट करेंगे मगर इनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो ये एक शेल हो गया, और ये तो शेल पूरा इनकम्प्लीट है ही, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां इंटर कर रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में इंटर कर रहा है, तो 3D भी पूरी तरह से, तीसरा सेल भी पूरी तरह से नहीं भरा हुआ है, और चौथा सेल भी पूरी तरह से नहीं भरा हुआ है, तो इसीलिए यहां पे लैंग्वेज लिखा हुआ है कि दे आर टू आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट सेल आर इनकम्प्लीट, एक तो एन माइनस वन सेल और NS सेल, दोनों क्या होंगे, इनकम्प्लीट होंगे, एन माइनस वन और NS, ये इनकम्प्लीट होते हैं, इसके इनकम्प्लीट होते हैं, ठीक है। देखिए डी में 10 ग्रुप होते हैं, चूंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स हमारे हो सकते हैं, तो देखिए ओल्ड भी क्लासिफिकेशन ग्रुप का यहां पे लिखा हुआ है, ओल्ड वाला, ठीक है, और देखिए मॉडर्न वाला भी लिखा हुआ है, मॉडर्न वाला भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें जो पीरियड्स होते हैं ये कहां से शुरू होते हैं, फोर्थ पीरियड से शुरू होते हैं, डी ब्लॉक, पोटेशियम कैल्शियम उसके बाद आता है डी ब्लॉक वाला एलिमेंट, स्कैंडियम टिटेनियम वैनेडियम क्रोमियम, ठीक है। तो देखिए उनको क्लासिफाई कैसे कहां किया गया है, 3D सीरीज, मतलब 3D में जब इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, ठीक है, पीरियड में ऐसे 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज बिलोंग टू, 3D सीरीज कौन सा पीरियड है, फोर्थ पीरियड है, 4D सीरीज किसका है, फिफ्थ पीरियड है, 5D सीरीज सिक्स्थ पीरियड है, और 6D सीरीज क्या होगा, सेवेंथ पीरियड है, पीरियोडिक टेबल निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है, रेस्पेक्टिवली इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो इस चीज को आप समझ रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, कि पीरियड अगर चौथा होगा तो इलेक्ट्रॉन जो इंटर करता है वो 3D में करता है, तो उसको 3D सीरीज कहते हैं, और उसका पीरियड हो जाता है फोर्थ। उसी तरह से आप देखेंगे पीरियड हो गया हमारा 5, मगर जो इलेक्ट्रॉन इंटर करता है वो किसमें करता है, 4D में करता है, इसलिए उसको कहते हैं 4D ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है, 5D ट्रांजिशन सीरीज, और पीरियड कौन सा हो जाएगा, 6th नंबर। आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल तो उसमें सारा का सारा दिखेगा आपको, ठीक है। और इसका भी वैलेंसी जो होता है वो वेरिएबल होता है, 6 पॉइंट जो है इनका भी वैलेंसी क्या है, वैलेंसी वेरिएबल होता है, वैलेंसी वेरिएबल। और डी ब्लॉक भी आपको पूरी तरह से पढ़ना है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स
वो कहां पढ़ना है? इनऑर्गेनिक में आपको पढ़ना है, 12th क्लास में, ठीक है? अभी बस पीरियोडिक टेबल में जितना रिक्वायरमेंट हम लोग उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको हम खुद से बता देते हैं, एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? एफ ब्लॉक है। एफ ब्लॉक इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहा जाता है, इनका जो बिहेव होता है, इनका बिहेवियर होता है ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह ही होता है। जैसा वो होते हैं वैसा ही ये भी होते हैं। इट रिजेंबल्स विद ट्रांजिशन एलिमेंट, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है? अब देखिए इनका कॉन्फिगरेशन जो होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर करता है वो एफ में करता है, और किस एफ में करता है? एन माइनस टू एफ में। एन माइनस टू एफ में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। और जनरल कॉन्फिगरेशन देख लीजिए, पहले ये सब भरा होगा, एनएस टू पहले भर गया होगा, फिर एन माइनस वन डी में एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है कभी, या दो इलेक्ट्रॉन चला जाता है। एक्सेप्शनल कॉन्फिगरेशन बहुत सारा है, इसमें एक या दो इलेक्ट्रॉन चला जाता है, या डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और एन माइनस टू भरना शुरू होता है, एन माइनस टू एफ में इलेक्ट्रॉन आना शुरू होता है, तब पूरी तरह से लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड बनते हैं, ठीक है? इनका टू दो सीरीज है, 4F सीरीज और 5F सीरीज, 4F सीरीज और 5F सीरीज है, ठीक है ना? पूछा जाता है कि ये बताइए कि ये किस पीरियड से बिलोंग करेंगे, तो देखिए ये किस पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं? 6th पीरियड से। और 5F जो है वो किससे कर रहा है? 7th पीरियड से, ठीक है ना? ये रिकॉल कराते हैं, 6th पीरियड में आप थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, यहां पर सीजियम हो गया पहला वाले में, दूसरा वाले में कौन हो गया? ये बेरियम हो गया, और बेरियम के बाद यहां पे क्या आता है? लेंथेनम आता है, और लेंथेनम से ही स्टार्ट हो जाता है सीरियम, ये पूरा लेंथेनॉइड हो गया, लेंथेनॉइड हो गया। ग्रुप नंबर याद दिला दे, 1, 2 और थर्ड ग्रुप है, ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन में थर्ड ग्रुप है। तो देखिए ये हमारा 6th ग्रुप है, यहां से लेंथेनॉइड बन गया, तो 6th पीरियड हुआ कि नहीं हुआ? फिर देखिए यहां पर क्या था? फ्रांसियम था, यहां रेडियम था, और यहां पर आ जाएगा एक्टिनियम, और एक्टिनियम के से ही थोरियम स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग कह देते हैं एक्टिनॉइड, एक्टिनॉइड कह देते हैं, ठीक है ना? एक्टिनॉइड कह देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो ग्रुप बिलोंग कर रहा है ये ग्रुप कौन सा है? ये ग्रुप कौन सा है? थर्ड ग्रुप में ही ये आ रहे हैं पूरा, क्योंकि हमारा पीरियोडिक टेबल खराब ना हो जाए एकदम सीधा लंबा नीचे 14 एलिमेंट का, इसलिए इनके लिए एक एक जो सीरीज बना दिया गया है, एक सीरीज बना दिया गया है। तो देखिए ये किस ग्रुप को बिलोंग करेंगे? तो थर्ड ग्रुप। एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं ये क्या होते हैं? थर्ड ग्रुप एलिमेंट होते हैं, थर्ड ग्रुप एलिमेंट है। ये पूछ देता है कौन सा ग्रुप एलिमेंट है? थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स हैं ये, ठीक है? ये थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स हैं। और पीरियड कहा जाएगा, तो जो 4F है, लेंथेनॉइड है, वो किसका है? 6th पीरियड का है। और जो एक्टिनॉइड है वो किसका है? वो 7th पीरियड का है, ठीक है? और यहां भी वैलेंसी जो होगा वो वेरिएबल होता है, फिक्स्ड वैलेंसी नहीं होता है, वैलेंसी वेरिएबल होता है, ठीक है? ये ध्यान में रखिएगा कि लेंथेनॉइड जो होते हैं इसमें जो होते हैं नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट होगा, एक्सेप्ट एक्सेप्ट पीएम, प्रोमीथियम कहते हैं, प्रोमीथियम सिर्फ रेडियो एक्टिव होता है, प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है? और देखिए एक्टिनॉइड जो होते हैं ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं ये, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है? ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं।
और लेंथेनॉइड जो होते हैं नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, एक्सेप्शन एक लिखवा दिया, प्रोमीथियम। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसका ध्यान रखना है आपको, याद करना है इनको, ठीक है। बाद बाकी एफ ब्लॉक भी सेपरेट आपको पढ़ना होता है। तो इसके साथ जो है ना हमारा क्लासिफिकेशन जो है अकॉर्डिंग टू सबशेल, सबशेल वाइज जो क्लासिफिकेशन है पीरियोडिक टेबल का वो समाप्त हुआ, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट, रजिस्टर ऑन आवर वेबसाइट edurizeindia.com टू ज्वाइन आवर लाइव क्लासेस।